ऑलराइट, तो मैं आ गया हूँ क्वेस्ट मॉल। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ वहाँ से घूम के, वहाँ से पता नहीं क्यों एंट्री नहीं हो रहा है मेन गेट से। तो अभी मैं जाऊँगा अंदर और मैं ट्राई करने वाला हूँ आज बर्गर किंग का खुद को एक नया मील आया हुआ है 120 या 140 का पता नहीं, वो मैं अंदर जाके ही आप लोग को बताऊँगा। मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने फ़ोटो भी भेजा है उसका, तो जैसा होता है मैं अंदर जाके बताता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं अंदर चल जाऊँ, ये लाइन किस लिए है भाई, चलो अंदर जाके मैं बाकी का बात करता हूँ। ऑलराइट, तो बर्गर किंग में आया हुआ है एक नया मील जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, @3-in-1 मील है। और मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने इसका फ़ोटो भेजा, तो मैं सोचा चलो यार इसी पे मैं क्यों ना आज एक वीडियो बना लूँ। और बाय द वे ये जो मील है, अगर आप बर्गर किंग से कोई भी बर्गर, इनफैक्ट अगर आप कोई रैप वगैरह भी लेते हो तो उसके साथ अगर आप 125 ऐड करते हो तो आपको ये टोटल 3-in-1 जो मील है ऐड हो जाएगा। तो मैंने ऑर्डर किया है अपने लिए, मैंने क्या ऑर्डर किया वेट में बताता हूँ, काफ़ी कुछ मैंने ऑर्डर कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया एक बॉस चिकन ऊपर और साथ में ये मैंने मील ऐड करवाया है। तो जब वो आता है तो मैं दिखाता हूँ कि साथ में क्या क्या आया है और ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, सब कुछ मैं बताऊँगा, पहले आ जाने दो। ओके, अब मैं दिखाता हूँ इन सब के लिए मैंने कितना पे करा है। तो बॉस चिकन हूपर एंड 3-in-1 मील टोटल पड़ रहा है 314 रुपये। और यहाँ पे मैंने एक चिकन हूपर भी एक्स्ट्रा ऑर्डर किया ताकि मैं चिकन हूपर एंड बॉस चिकन हूपर में आप लोग को डिफरेंस बता पाऊँ। और टोटल हो रहा है 480 रुपये का, नीचे देख लो। तो ये आ गया मेरा बर्गर किंग का बॉस चिकन हूपर विथ 3-in-1 मील, और ये बॉस चिकन हूपर एंड ये नॉर्मल चिकन हूपर। तो सबसे पहले मैं इसे ही दिखा देता हूँ एक बार। तो ये पुराना वाला चिकन हूपर बर्गर जिसका प्राइस 150 रुपये के आसपास है, और ये जो देख रहे हो ये बर्गर किंग का न्यूली लॉन्च बॉस चिकन हूपर बर्गर है जिसका प्राइस 200 रुपये के आसपास है और अंदर काफ़ी कुछ डला हुआ है। अब मैं बात करता हूँ उस मील का जो मैंने 125 रुपये में ऐड करवाया है, और उसमें आता है ये क्रिस्पी फ्राइज साथ में एक डीप, और एक आता है आइसक्रीम जो कि है संडे चॉकलेट आइसक्रीम, और ये एक पेप्सी। तो ओवरऑल मेरे को कमाल का ये मील लगा। तो अब मैं दिखाता हूँ कि इस बॉस ऊपर के अंदर क्या क्या डाला हुआ है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे कैप्सिकम, ऑनियन एंड ऑलिव दिख रहा है, एंड चीज़, और ये चिकन पैटी, और सबसे नीचे में यहाँ पे डाला हुआ है लेस का मैक्स चिप्स। तो ये कमाल है। और अब अगर मैं इस ओल्ड वाले चिकन हूपर की बात करूँ तो इसमें वही चिकन पैटी, ऑनियन, लेटस, पिकल, बस यही सभी डाला हुआ है। अब टाइम है बर्गर किंग के इस बल्कि से बॉस चिकन हूपर को टेस्ट करने का। नॉर्मल चिकन ऊपर से ये बॉस चिकन ऊपर मुझे ज़्यादा बेटर लगा, इसमें बहुत ही मतलब फ्लेवर है। मुझे पहला वाला जो था वो थोड़ा फ्लेवर लेस लगा था जो नॉर्मल इसका जो चिकन ऊपर था, लेकिन ये जो बॉस चिकन ऊपर है इसमें वाकई में फ्लेवर है। और अगर ज़्यादा फ्लेवर चाहिए तो आप अपने से केचप वगैरह भी ऐड कर लो। अब मैं टेस्ट करता हूँ इस क्रिस्पी फ्राइज को। अब अगर मैं बात करूं बर्गर किंग के इस फ्रेंच फ्राइज़ का तो ये वाकई में काफ़ी क्रिस्पी है, और इस डीप के साथ तो इसमें और भी चार चांद लग जा रहा है। अब टाइम है बर्गर किंग के इस चॉकलेट कवर्ड संडे आइसक्रीम को टेस्ट करने का। और वैसे एक बात तो बोलना पड़ेगा, बर्गर किंग भी अपने चीज़ों का नाम काफ़ी अजीबोगरीब रखता है। तो मुझे ये काफ़ी कमाल का लगा जबकि मैं चॉकलेट एंड आइसक्रीम लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक बात मैं बोलूँगा 125 रुपीज़ के हिसाब से मेरे को काफ़ी वैल्यूबल ये मील लगा, स्पेशली ये क्रिस्पी फ्राइज़ यार कमाल का है। मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ एक बार आप लोग बर्गर किंग के इस फ्रेंच फ्राइज़ को टेस्ट करो, वाकई मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और ये तो चिकन बॉस ऊपर तो यार कमाल का है ही। तो आप इस मील को सिर्फ इस बर्गर के साथ नहीं रैप वगैरह के साथ भी ऐड करवा सकते हो, जो कि मुझे सबसे बेस्ट बात लगा। तो बर्गर किंग के उस बॉस सुपर एंड मील को खाने के बाद मेरा पेट एकदम यहाँ तक भर गया था। उसके बाद जब मैं वापस से होटल रूम आया फिर आके लेट गया, मेरे को कैमरा उठाने तक कभी मन नहीं किया। तो अभी मैं उठा तो वो टाको बेल के माइल्ड एंड वाइल्ड वाले टाको का मैंने रिव्यू करा है जिसका वीडियो आप लोगों ने शायद देख भी लिया होगा। पता नहीं मैं इस वीडियो को पहले दूंगा या फिर उसको, मेरे को अभी तक कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आ गया होगा तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो वैसे मैं बता दूँ मेरे को बर्गर किंग का वो जो बॉस सुपर एंड जो मील था, स्पेशली 125 रुपीज़ वाला जो मील था, वो मेरे को वाकई में वैल्यू फॉर मनी लगा। और मैं बता रहा हूँ अगर आप नेक्स्ट टाइम जब भी बर्गर किंग जाते हो, अगर आप लोग दो लोग हो तो एक बॉस ऊपर ले लो और साथ में वो 125 रुपीज़ का मील ऐड करवा लो। यार मतलब दो लोगों का पेट बहुत ही अच्छे तरीके से भर जाएगा अगर दो लोग, अगर एक खाने वाला एक थोड़ा कम खाता है तो मेरे हिसाब से यार दोनों लोगों के लिए मतलब वो मील एंड एक बॉस ऊपर बस एक ही एनफ है।
तो ट्राई करना एक बार जाके, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। और बॉस ऊपर मैं शायद फर्स्ट टाइम ट्राई किया, तो मेरे को यार उसका टेस्ट पहले वाले से ज़्यादा अच्छा लगा, जो चिकन ऊपर था। जैसे कि मैंने मेंशन भी करा पहले वीडियो में कि वो फीका फीका मुझे लगता था, इसमें थोड़ा फ्लेवर था। तो खैर कोई बात नहीं, अगर यहाँ तक वीडियो देख लियो तो वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाना, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि बर्गर किंग का आप लोगों को क्या ज़्यादा बेटर लगता है, जैसा भी हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके इस फैमिली का बन जाना हिस्सा। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।